पीएम सम्मान निधि पात्र लोगों से तहसीलदार रमेश परमार के द्वारा बताया गया कि आज हम अपनी सर्किल पर पीएम सम्मान निधि अपात्र लोगों से घर घर जाकर चर्चा करेंगे एवं आरआई बलहूड राजेश सिंह एवं पटवारी सुरेश तिवारी पटवारी हल्का नोगमा गांव गांव जाकर संपर्क जैसी छपडोर देवरी बलहूड नोगमा मध्य प्रदेश शासन नियमानुसार आदेश था। वह व्यक्ति पीएम सम्मान निधि योजना के पात्र नहीं है और मध्य प्रदेश शासन अनुसार तहसीलदार रमेश परमार ने सुरेश पटवारी को हल्का में जाकर जैसे कि महजरिया बाबूलाल अरुण पटेल शिक्षक जनी पटेल विनोदिनी सोहबत पटेल सुभाष पटेल राम विशाल छपनीर नानबाई शिव मूरत सूर्य प्रकाश छपनीर कमलेश वकील सभी अपात्र लोगों से रिकवरी का पैसा वापसी जमा कराने की बात समझाइश की एवं ग्राम नोगमा में 30 साल पुराना जमीन विवाद सीमांकन कर तहसीलदार रमेश परमार की उपस्थिति पर ग्राम नोगमा में राजेंद्र पिता फूलचंद्र पटेल एवं राम स्वरूप के बीच विवाद किए निपटारा वाहन चालक डब्बू कुशवाहा उपस्थित रहे। कुछ बताएंगे आज का जाना कैसे हुआ मानपुर से नोगमा छपड़ौर? जी एक्चुअली मैं इस क्षेत्र में आने का क्योंकि ये बलहोड़ वाला हमारा जो सर्किल है इसमें कुछ पीएम किसान के जो पात्र अपात्र अभी हमने चिन्हांकित किए हैं तो उन लोगों से वसूली की जानी है। कुछ लोग हैं जो कि जमा कर रहे हैं राशि लेकिन कुछ लोग अभी भी राशि जमा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम उनको अगर वो सर्विस करने वाले व्यक्ति हैं जो अपात्र हैं तो ऐसे व्यक्तियों का अब हम अगर वो राशि जमा नहीं करेंगे तो उनके खाते को सीज करने की कार्रवाई करेंगे और जो लोग जो अपात्र थे और जिन्हें अपात्र कर दिया गया है उनका अगर रिकवरी हमें करना है तो इसमें से फिर हम उनकी कुर्की की कार्रवाई करेंगे क्योंकि शासन चाहता है कि जल्दी से जल्दी जो राशि उनको खाते में चली गई है अपात्रता के कारण वो तो उनसे रिकवर की जाए। इसी के साथ में जो CM वेरीफिकेशन करना है उनका फिजिकल वेरीफिकेशन में कुछ लोग मिल नहीं रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं खुद भी जाके देखूं कि कौन से लोग हैं जो कहाँ पे समस्या आ रही है तो इसी के संदर्भ में मैं गया था और आज हम पटवारियों से जान